अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ा था, प्लांट में थोड़ी दूर तक पानी को जाना है तो ऑस्मोसिस होती थी, डिफ्यूजन होता था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता था, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक थी जिनके थ्रू पानी थोड़ी दूर तक चला जाता था। लेकिन पानी को बहुत दूर जाना है, आपने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे होंगे एंजियोस्पर्म प्लांट को, बहुत ऊंचे होते हैं, 100-100 फुट ऊपर होते हैं, देखे 100-100 फुट ऊपर, 100-100 फुट ऊपर करके बहुत ऊपर होते हैं, और उसकी रूट और बहुत नीचे होती है, जितने ऊंचे पेड़ होंगे उनकी रूट भी उतनी गहरी होगी, 100 फुट ऊपर और 100 फुट नीचे रूट समझ लो, सब कुछ 200-200 फुट ऊपर तक चढ़ना है पानी, इतना ऊंचाई तक पानी चढ़ना है, तो क्या इस स्पीड से चढ़ पाएगा, जिस स्पीड से ऑस्मोसिस होता है, जिस स्पीड से डिफ्यूजन होता है चढ़ पाएगा? तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन फैसिलिटी डिफ्यूजन इज नॉट अ गुड आंसर, ये सही मेथड नहीं है। यहाँ पर पानी कैसे चढ़ेगा, क्या होगा, ये पढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी खोल लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे चढ़ता है, इसको पहले एग्जांपल लिया, एक्सपेरिमेंट दिया है, आप जाकर घर पे जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई एक व्हाइट कलर का फ्लावर वाला ट्विंग्स तोड़ कर ले आइए, समझ में क्या कर तोड़ना है, एक फूल लगा हुआ ऊपर का वो पाउसन तोड़ लेना, किसी पेड़ का तोड़ लीजिए व्हाइट कलर का, जो इसमें व्हाइट कलर फ्लावर तोड़ लीजिए, एक लाल रंग का या कोई भी रंग का कलरफुल सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें उसको डाल दीजिए उस डंडी को, क्या होगा, रिपीट कर रहे हैं, क्या करने को बोले, आपको रखने को बोले, आपने एक बीकर या कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए अपने घर के, इसमें क्या भर दीजिए, कलरफुल सॉल्यूशन भर दीजिए, कोई भी कलरफुल सॉल्यूशन भर दिया आपने, अब बदले में अब और क्या किया आपने, एक पेड़ की वो ट्विंग्स तोड़ कर ले आया, ट्विंग्स तोड़ कर ले आए, इसमें लीफ लगी हुई है, फ्लावर लगा हुआ है, जो भी बड़े बड़े फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर ही मान लो, कुछ भी लगा हुआ है, ये आपने लाकर इसमें डाल दिया, फ्लावर था ये फ्रूट था जो भी लगा लगा हुआ आपने ट्विंग्स तोड़ कर डाल दिया, क्या होगा कुछ समय के बाद आप देखना, इसमें जो कलरफुल सॉल्यूशन डाले हो वो इसमें धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगा, और ये व्हाइट कलर का फ्लावर है, ये व्हाइट कलर का फ्लावर कलरफुल हो सकता है, जरूरी नहीं हो ही जाए, हो जाएगा, ऐसा लिखा है उसमें, उनके साथ हुआ है कि व्हाइट कलर का फ्लावर कलरफुल हो गया ऐसा करने से, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पानी का क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, किस रास्ते से पानी गया, आप देख सकते हो कलरफुल पानी है, पानी जहां जहां गया होगा व्हाइट कलर में वहां कलरफुल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो जहां जहां पर फ्लावर कलरफुल हो गया है, किस रास्ते से हुआ, क्या हुआ, आप यहां से आसानी से समझ सकते हो कि कहां से कहां पानी का ट्रांसपोर्टेशन, पानी ऊपर गया किस रास्ते से गया, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर समझने का सबसे आसान तरीका क्या था, कलरफुल पानी डाल दो, कलरफुल पानी जहां जाएगा वहां रंग लगाता हुआ जाएगा, आपको रंग लगा हुआ मिल जाएगा, इस पाइप से इस नली से होते हुए गया है, यहाँ से ऐसे से गया है, आप अच्छे से पता कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ऐसे स्टडी की पानी का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हुआ, कहाँ गया, फिर कहाँ गया, ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका था कलरफुल सॉल्यूशन में डाल दिया गया और देख लिया गया, कोई दिक्कत, कर सकते हो ये काम, घर पे भी कर सकते हो, कुछ छोटा सा प्लांट ही डाल दो कलरफुल सॉल्यूशन में, आपको आराम से उसमें दिख जाएगा कलर का डिस्टिंग्विश दिख जाएगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए जा रहा है। सुनते हैं क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ट्विंग्स बियरिंग व्हाइट फ्लावर इन कलर्ड वाटर, ऐसा ट्विंग्स लिया जिसमें व्हाइट फ्लावर लगा हुआ था, उसे किसमें डाल दिया, कलर्ड वाटर में डाल दिया, और उससे क्या वॉच किया, टर्न देखा कि आपका व्हाइट फ्लावर किस रंग का हो गया, कलरफुल हो गया, ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन द कट इन, उसे कटे हुए भाग को देखा और देखा कि फ्यू आवर के बाद ये नोट किया, कुछ घंटों के बाद ये देखा कि कलर कहां से कहां मूव हुआ, किस डायरेक्शन में मूव हुआ, किधर से किधर गया, और डेमोंस्ट्रेट किया द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वैस्कुलर बंडल, वाटर का मूवमेंट किस रास्ते से, पाथ मालूम चल गया आपको किस पाथ से होते हुए जाता है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, प्लांट में ऊपर की ओर कैसे वाटर चढ़ता है, कैसे अदर सब्सटेंस चढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश की इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पढ़े आप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्यों नहीं हो सकता, तो डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आपकी बुक में डाटा लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन का रेट लिखा है एक सेल से दूसरी सेल में पानी जाना है, क्रॉस मेम्ब्रेन जाना है, मेम्ब्रेन के आर पार पानी जाना है, मेम्ब्रेन की थिकनेस लगभग 50 μm होती है, इतनी
पतली सी मेम्ब्रेन के आर पार निकलना है पानी को। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाना है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई सिर्फ 50 μm होती है। इतनी पतली सी मेम्ब्रेन को पार करने में पानी को डिफ्यूजन प्रोसेस से पार करता है कितना समय लगता है? इतना पार करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। रिपीट कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस तय करने में? 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस तय करने में उसको 2.5 सेकंड का समय लग जाता है। तो सोचो अगर उसको पानी को 1 मीटर ऊपर चढ़ना होगा तो कितना समय लगेगा, कैलकुलेट कर लो। 100 मीटर चढ़ना होगा कितना टाइम लगेगा? आपको सालों साल लग जाएंगे। अगर इस डेट से कैलकुलेट करोगे तो कई साल लग जाएंगे। कई साल में पानी ऊपर चढ़ पाएगा क्या? साल भर पानी चढ़ता है पानी ऊपर? विध्वंस चढ़ जाता है, मतलब इसमें डिफ्यूजन चढ़ता है पानी ऊपर। ये मान लीजिए डिफ्यूजन इज नॉट ए राइट आंसर बिकॉज डिफ्यूजन इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस। रेट क्या डिफ्यूजन का? 50 μm पर 2.5 सेकंड। ये रेट है 2.5 सेकंड में सिर्फ 50 μm की डिस्टेंस तय कर पाता है। डिफ्यूजन का रेट है स्पीड। ये आपका क्वेश्चन पूछा है, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर इट विल टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन अ प्लांट बाय डिफ्यूजन? 1 मीटर पानी चढ़ने में कितना साल लग जाएगा, कैलकुलेट कर लो। कर लोगी? इतना समय चढ़ने में इतने सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर चढ़ने में कितने सेकंड होंगे? 1 मीटर में कितने μm होते हैं, कैलकुलेट करना पहले और फिर से कैलकुलेट करना। कर सकते हो कैलकुलेशन? ये क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, करना होगा तो टाइम पास कर लेना। मैथ थोड़ा भूल गए होगे, मैथ कैलकुलेशन करना कर लेना, बहुत अच्छा मैथ है, दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा। समझ गए कौन सा कैलकुलेशन? 1 मीटर तय करने में कितने साल लगेंगे, साल बताना होगा आंसर, बहुत टाइम लगने वाला। अगली लाइन कहता है, इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, बड़े बड़े प्लांट है, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, द सब्सटेंस हैव टू मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस। उसमें ऑर्गेनिज्म में बड़े ऑर्गेनिज्म पानी को सब्सटेंस को ज्यादा दूर चलना होगा, थोड़ी दूर चलना होगा, बड़ा ऑर्गेनिज्म ज्यादा दूर चलना होगा। सम टाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड द साइट ऑफ स्टोरेज इज टू फॉर जाइलम के से बात करें तो प्लांट की रूट जो है में पानी एब्जॉर्ब होता है और जाना कहाँ है उसको? लीफ तक जाना है, तो रूट से लीफ तक बहुत दूर है, दोनों की साइड बहुत दूर है। या खाना की बात करें तो फूड ऑफ प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीफ में। और उसका स्टोरेज कहाँ होता है? पता गाजर का प्लांट रूट में होगा, कई सारे प्लांट में रूट में होगा, कई सारे स्टेम में होगा। स्टोरेज ऑफ साइट जो है बहुत दूर दूर होती है फूड की, तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तय करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशियंट है क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सफिशियंट है? नहीं। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस एंड मच फास्टर रेट। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बहुत फास्ट काम करता हो, बहुत फास्टर रेट से काम करता हो। अब ध्यान सुनो, ये लाइन अंडरलाइन भी कर सकते हो। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड्स आर जनरली मूव्ड बाई द मास और बल्क फ्लो। अब कोई पूछे पानी लॉन्ग डिस्टेंस तय कैसे करता है, आंसर है मास फ्लो करता है या बल्क फ्लो करता है। कंप्लीट हो गया आंसर। शॉर्ट डिस्टेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस मास या बल्क फ्लो करता है। एक वर्ड में आंसर देना तो इतना काफी है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ये मास फ्लो करता है या बल्क फ्लो करता है। समझाएंगे इसको अच्छे से डिटेल में, लेकिन पहले इतना सा समझ के भी क्लियर कर लो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मास फ्लो या बल्क फ्लो। मास फ्लो वर्ड ज्यादा फ्लोएम के लिए यूज करते हैं, करने के लिए दोनों जगह कर सकते हो, लिख दिया है। आगे लिखता है, मास फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और इन एन मास masses from one point to another point as a result pressure difference between two point। A mass flow क्यों होता है? इस question का answer why mass flow is occur due to difference in pressure। Pressure में difference होने की वजह से, osmotic pressure OP में difference की वजह से, एक जगह osmotic pressure कम होगा और एक जगह ज्यादा होगा, तो पानी कहां से कहां move करेगा? low osmotic pressure से हाई में या हाई से लो में, जल्दी सही ओपी
ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा चुके हैं, कहां से कहां जाता है, हाई टू लो या लो टू हाई, हाई ओपी से लो ओपी की ओर मूवमेंट होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर वाटर का मूवमेंट होगा और फूड का उल्टा चलेगा। तो बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इतना नहीं समझना हाई लो नहीं बताना है, इतनी बात समझना कि डिफरेंस इन द प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से मास फ्लो या बल्क फ्लो होता है। तीन लाइन अगर समझे कुल, अभी तक क्या पढ़े, पहली लाइन पढ़े हम कि डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट से कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत स्लो है। दूसरी लाइन पढ़ाए तो कैसे होगी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, मास या बल्क फ्लो, मास या बल्क फ्लो कैसे क्यों होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन, तीन लाइन तक फुल पढ़ी हमने, अभी इंपॉर्टेंट आगे पढ़ते हैं। मास फ्लो प्रेशर डिफरेंस ना बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सस्टेन वेदर इन सॉल्यूशन आर इन सस्पेंशन आर सट अलोंग द सेम प्लेस एज इन द फ्लोइंग रिवर, जैसे रिवर में जाती चीजें वैसे जाएगा, बहकर जाएगा, फ्लोइंग रिवर देखा आपने, जैसे नदियों में पानी बहता वैसे ही यहां पर बहेगा। बोलता है अनलाइक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऐसा नहीं होगा, अब जल्दी सोच के आंसर दो, यहां पर पांच गैसेस हैं, जल्दी सोच के आंसर देना, ऑक्सीजन इस यहां की जगह पे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और सल्फर, चार गैसेस हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, चलो तीन गैसेस, तीन गैसेस हैं। अब यहां पर वहां पे भी सभी जगह है, ये तीन गैसेस सभी जगह है, यहां ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन है, वहां ऑक्सीजन का लो कंसेंट्रेशन है, बताओ यहां तीनों गैस वहां जाएंगी या सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, ओनली ऑक्सीजन जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा है और वहां कम है। तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन में सारी चीजों को लेकर जाता है, अलोंग विद द सब्सटेंस जाता है या सिर्फ अकेला जाता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा मास फ्लो में, यही कह रहा था, सुनना ध्यान से इस लाइन को समझने की कोशिश करना, दिस इज अनलाइक टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जैसा नहीं होगा, डिफ्यूजन में क्या होगा था, डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली, हर सब्सटेंस इंडिपेंडेंटली मूव करते थे, एक को बस चला था बाकी तीन यहां बैठे हुए, लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता क्या, नहीं, यहां पर सभी साथ में जाएंगे जाएंगे, इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां पर क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसका डिफरेंस था वो ज्यादा था, बाकी सब यही बैठे रहेंगे, लेकिन आपके बास मास के बल्क फ्लो में जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफरेंस प्रेशर में हो रहा है, मास फ्लो क्यों होता है बताए, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से, या फिर कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, इन प्रेशर की वजह से, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है, डिफरेंस इन प्रेशर भी हो सकता है। अब ये दोनों वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसे बताते थे, किस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते थे अदनान, किसी प्रेशर का दूसरा नाम था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का दूसरा नाम बताइए, कल पढ़ाए थे, कल ही की क्लास में, परसों क्लास में, हां परसों की क्लास में पढ़ाए थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का दूसरा नाम टर्गर प्रेशर, सही है, टर्गर प्रेशर को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, कल पढ़ाए परसों पढ़ाए थे, परसों का लेक्चर अटेंड किए होंगे तो सुने होंगे, देख लो अपनी कॉपी में लिखे हो तो, टर्गर प्रेशर को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, तो हाइड्रोस्टर्गर प्रेशर या तो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कम होने की वजह से, टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से भी और जारगा होने की वजह से भी वाटर का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी होता है और निगेटिव प्रेशर, ये भी कारण है, आप याद रखना क्या क्या कारण है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब बल्क मूवमेंट के कारण है, पांच।
चले आगे। आगे कहता है बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट ऑल ट्रांसलोकेशन पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है किसकी किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जाइलम फ्लोएम की मदद से कोई चीज यहां से वहां जाएगी उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको ऑप्शन बहुत मिलते जुलते दिया था, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ऐसे मिलते जुलते आपको चार पांच नाम दे दिया था और पूछ लिया था आपको सही आंसर क्या है। समझ गए बात को, ट्रांसपायरेशन, हाँ अच्छे अच्छे नाम ला रहा है इसी चैप्टर पढ़ा है, अभी पढ़ाएंगे पैसा कहीं तो पढ़ा है मारे है ना आने का है। हाँ, आने वाला है। डू यू रिमेम्बर स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट स्टेम लीफ हायर प्लांट एंड स्टडी द वैस्कुलर सिस्टम। आपने प्लांट एनाटॉमी चैप्टर के वीडियो देख चुके होंगे होपफुली, अगर देख लिए हैं तो उसमें आपको ये मिला होगा रूट की एनाटॉमी क्रॉस सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ रूट टीएस ऑफ स्टेम टीएस ऑफ लीफ पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी, बोलता है आपको आता है एनाटॉमी चैप्टर आपने पढ़ा है मानता है। तो आपने जाइलम फ्लोएम के देखा होगा, जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, रेडियल अरेंजमेंट होता है कभी, हाँ कौन सा कंजॉइंड होता है, बहुत तरीके हैं आपको पढ़ाया गया है वहां पर सेक्टर में। आपका ये एग्जाम में दूसरी लाइन यहां से फिर दूसरी लाइन आ चुकी है एग्जाम में नीट में, जाइलम अंडरलाइन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती होती बच्चे गलत करके आते हैं इसलिए देख लो, जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर मिनरल सॉल्ट्स सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम में आ चुका है नीट में क्वेश्चन, ऑप्शन ए था जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑप्शन ए था वाटर एंड मिनरल्स का, ऑप्शन बी था ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी था हार्मोन्स, ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है? हाँ बच्चे गलत करके आए थे वाला, जाइलम से सिर्फ याद कर बच्चे पान जानते हैं कि जाइलम से सिर्फ वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऐसा मानते हैं हम लोग, लेकिन याद रखिए एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि जाइलम के थ्रू और भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी हो सकता है और हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। द फ्लोएम ट्रांसलोकेट, फ्लोएम क्यों क्या रची जाती है, फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जाता है, कहां से कहां जाता है, जाइलम से, जाइलम यूनिडायरेक्शनल है सिर्फ रूट से लीव तक ले जा सकता है नीचे से ऊपर, जबकि फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल वर्क करता है, सोर्स से श्रिंक की ओर चलता है, वो सोर्स से श्रिंक की ओर लीव से स्टार्ट होता है और पूरे होल प्लांट में जाता है, स्टोरेज पार्ट में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा, लीफ में जाएगा, इसलिए मैं सब जगह जाता है मल्टी डायरेक्शनल मूव करता है। तो फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, याद रहेगा। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मिनरल्स का होगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का होगा, हार्मोन्स का होगा, फ्लोएम से किसका होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जाएंगे, ठीक है ना, लीफ से और पूरे पार्ट में। अगला क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, पेड़ पानी कैसे पीते हैं, कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके लिए एनाटॉमी चैप्टर का सपोर्ट चाहिए होगा, एनाटॉमी चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ाता होगा तो आ जाएगा आपको ये आसानी से, वरना मेहनत ज्यादा लगेगी। प्लांट्स में पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो बोला कि पेड़ों में पानी कैसे चढ़ता सुनते हैं, वी नो डैट, लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देते हैं कि पहले समझा दें, पहले समझा दें मुद्दा की बात, पढ़ाई पढ़ने के बाद पेड़ में पानी कैसे चढ़ेगा, ये पेड़ है, ये उसकी रूट है, देखेंगे रूट में रूट हेयर्स होते हैं सबको पता है, कौन से रीजन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पढ़े थे आप, लैंग्वेज अगर इसमें गलत भी होगी तो टेंशन मत लेना आपको पता है अच्छे से, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ऐसे रूट हेयर निकले होते हैं बहुत सारे, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, दिखाई नहीं देते, आंख से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक
क्यूबिक साइज के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तीन चार अलग अलग लोग। ये क्या है? रूट हेयर है। रूट के हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। पहली बात ये याद रखना, यूनिसेलुलर होते हैं। थिन होते हैं कि थिक होते हैं इनकी मेम्ब्रेन? एपिडर्मिस। थिन एपिडर्मिस होती, बहुत पतली होती है, थिन होते हैं ये, पतले होते हैं। और यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, न्यूमेरस नंबर में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं। और यही वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? रूट हेयर से। इतनी याद है, कोई दिक्कत नहीं बस समझने में? बहुत अच्छी बात। अब पहली बार पानी, जो भी यहां पर पानी है, सपोज यहां पर मिट्टी में, सॉइल में वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स ये रूट के मॉलिक्यूल्स के पास में आएगा और इम्बिशन होगा। इम्बिशन पढ़ा चुके हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इम्बिशन होगा, पानी रूट के पास आकर जुड़ जाएगा, पास में आ जाएगा, पहला काम। कहानी बड़ी सिंपल समझा रहे हैं, देखते हैं कहानी सुनाते हैं, समझ गए तो अपनी समझ में आ जाएगा। आप ऐसे आप बहुत सारे लड़के हो, लड़के लड़के जो भी हो, 50-100 लोग बच्चे हो, जमीन में खड़े हो सड़क पे, आपको छत पे जाना है, सीढ़ी से नहीं डायरेक्ट ऐसे जाना है, सीढ़ी नहीं है, ऊपर चढ़ना है, छत पे जाना है, बस बहुत सारे लोग हो आप लोग, इंसान हो, कैसे जा सकते हो? तो उपाय देखना, ध्यान समझना। पहला काम कर लेते हैं कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, सब लोग एक चैन बना लो, एक लड़का दूसरे लड़के का, दूसरा तीसरे तीसरे लड़का, एक लंबी सी चैन बना ली, ह्यूमन की चैन, तुम एक ह्यूमन के मॉलिक्यूल्स हो, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, सारे ह्यूमन आपस में जुड़ जाओ, एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ लो। अगर सेम सेम का पकड़ता है तो इससे कोहेशन कहेंगे या एडहेशन कहेंगे? जल्दी बोलो, कोहेशन कहेंगे। पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे कोहेशन होगा। तो वाटर के बहुत सारे मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच टू द ईच अदर, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी से जुड़ गया, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा चौथा पांचवा, कोई किसी का हाथ छोड़ने को तैयार है? नहीं छोड़ेंगे, मर जाएगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, पकड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कौन सा क्या कहलाएगा, कोहेशन या एडहेशन? कोहेशन। अब दूसरा काम है, अब आप जो सभी के सभी जुड़े हुए हो, आप में से कुछ लोग दीवाल के पास पहुंच जाएंगे, दीवाल जहां से ऊपर चढ़ना है, दीवाल से कोई हिस्सा की दीवाल, प्लेन दीवाल से चढ़ना है, दीवाल के पास चले जाएंगे, दीवाल से चिपकना शुरू कर देंगे, क्या बोलेंगे उसको? एडहेशन। दीवाल से चिपकेंगे तो एडहेशन, आपस में चिपकेंगे तो समझ वाली बात, दीवाल चिपकेंगे, और दीवाल से चिपक कर आपके रूट प्रेशर के एडहेशन से आपके यहाँ पर आएंगे, पहला का इम्बिशन होगा, उसके बाद अंदर जो घुसेंगे, यूनिसेलुलर की सेल वॉल बहुत पतली है, यहाँ की एपिडर्मिस बहुत पतली है, इसलिए यहां से अंदर घुस जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। और रूट प्रेशर नाम का एक प्रेशर काम करता है, कौन सा प्रेशर? बहुत छोटा सा प्रेशर है, माइन्यूट सा प्रेशर है, बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर नहीं है। तो थोड़ी दूर तक रूट प्रेशर की मदद से आप लोग एक दूसरे की मदद से थोड़ी दूर तक चढ़ गए, तीन मंजिल की दीवार में चढ़ना है आपको, तीसरी मंजिल तक जाना है, आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट लेके कितनी ऊपर चढ़ सकते हैं? थोड़ी दूर तक, समझ वाली बात, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर रूट प्रेशर की वजह से थोड़ी दूर तक पानी चढ़ाएगा, उससे ज्यादा पानी चढ़ने की औकात नहीं इतनी ऊपर तक जाने की। अब करना क्या होगा, कोई ऊपर से अगर आपको पकड़कर, पहला बंदा जो सबसे पहला लड़का है सबसे ऊपर में, उसको एक रस्सी से पकड़कर ऊपर से खींचे, और सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सब ऊपर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रही है? आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, आप में से पहला लड़का जो है, सबसे पहला लड़का ऊपर का, उसको हम ऊपर से खींच रहे हैं, छत से जाकर रस्सी से पकड़ के खींच रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, हम एक लड़का खींचेंगे तो सिर्फ वो लड़का ऊपर आएगा या आप सब ऊपर जाओगे? कैसे, क्यों आ जाओगे आप सब? कोहेशन प्रोसेस से आप एक दूसरे से अटैच है, क्लियर है? तो एक को खींचेंगे तो सब आएगा, टूट टूट कर नहीं आएंगे कि चार पांच आएंगे, दस पांच आएंगे, सब आएंगे, एक कंटिन्यूस चेन बनती जाएगी, कि बनती जाएगी ऊपर से नीचे तक, वैसा ही होता है। यहां पर ध्यान से समझना, पुल कौन करता है? ट्रांसपिरेशनल फोर्स, वाटर जब इवैपोरेशन होता है ना, एक फोर्स काम करता है ऊपर, जब पुलिंग फोर्स की तरह काम करता है, ट्रांसपिरेशनल फोर्स बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन की वजह से पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, और वो
वाटर को घींचना स्टार्ट करता है और वाटर पहला इधर से घींचता जा रहा है और सारी चैन इधर से घिंचती आ रही है, इधर से पूरी एक लंबी सी चैन, और ये पूरा पानी किसके थ्रू जाएगा, जाएगा किससे, होता हुआ जाएगा। सो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं आया है, अभी और अच्छे से आएगा, एक बार और बताएंगे इसको शॉर्ट में बताने को सीखिए। पानी कहाँ घुसा, अभी इतना सवाल कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कहाँ गया पानी, इपिडर्मिस को क्रॉस करेगा पहला काम है, इपिडर्मिस पतली है ना, इपिडर्मिस के अंदर चला गया पानी, इपिडर्मिस के अंदर गया तो अगली लेयर कौन सी आएगी, अगर आपने याद किया और रूट की एनाटॉमी याद करिए, टीएस सेक्शन याद करिए, टीएस ऑफ रूट, इपिडर्मिस सबसे बाहर वाला था, उसके बाद कौन सी जगह जाएगा पानी, कॉर्टेक्स, अगली लेयर आएगी कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स में पानी चला गया, कॉर्टेक्स के भी आगे कौन सी लेयर आएगी, कॉर्टेक्स आगे आएगा इंडोडर्मिस, सही है, इंडोडर्मिस में जाएगा, इंडोडर्मिस के आगे पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद कौन सी लेयर आएगी, आपकी जाइलम, अब मिलेगा जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, घिंचा तो जाइलम में जाएगा, जाइलम तक घुसना होगा पानी को, भी नहीं घुसना होगा, कहां से कैसे गया, देखो रूट के हेयर के पास पानी आया, एडमिशन कर लिया, तो सॉरी इम्बाइबिशन कर लिया, यहां से पानी इम्बाइबिशन होकर पानी किधर जाएगा, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से पानी आप जाइलम तक पहुंचने के लिए पानी को इतने सारे रास्ते क्रॉस करने होते हैं, आपको मालूम चल गया सॉइल से जाइलम तक पानी कैसे पहुंचता है, समझ में आई बात, कहां से कहां कहां होते जाएगा, सबसे पहला इपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस के बाद और पेरिसाइकल से। अब ध्यान से समझना, आपका ये डायग्राम आपको यहां पर दिखाते हैं, जाने के दो रास्ते, ये मान लेते हैं आपकी इपिडर्मिस है, सेल ही है ना, इपिडर्मिस की सेल है, इसके बाद वाली सेल को मान लेते हैं, ये रहा आपका इपिडर्मिस की सेल थी यहां तक, इसके बगल में ये रही कॉर्टेक्स की सेल, क्लियर है, कॉर्टेक्स की सेल के बाद कौन सेल आई, इंडोडर्मिस की सेल, और इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद में ये रहा जाइलम, पूरा इतना लंबा जाइलम भी। तो यहां से यहां तक पानी को जाना है, पानी यहां पर है, अभी वाटर यहां पर खड़ा है और उसको इतनी चीजें क्रॉस करके जानी है, अब पानी को यहां से वहां तक जाना है, अब ध्यान समझना, ये सभी सेल है कि नहीं है, प्लांट की सेल है कि नहीं है, सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, ये सेल वॉल है, सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं सभी का, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहा है, इतना बड़ा नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर बनाने का समझाने के लिए आपको बता रहा है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ रही इतनी सी कहानी, नीले रंग से सेल मेम्ब्रेन है, काले रंग का सेल वॉल है, पानी को जाना है यहां से वहां, अब जाने के दो रास्ते हैं पानी के पास, रास्ता नंबर वन पानी सीधे घुस जाए कहां पर, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस को क्रॉस करके निकल जाए कॉर्टेक्स से, निकल जाए इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से निकलकर यहां से जाएगा तो कौन सा रास्ता जाएगा, यहां से पानी को आर पार जाने के लिए कौन सा रास्ता बना होता है, एक सेल से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए एक रास्ता होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडेसमाटा, तो यहां पर क्या होंगे, प्लाज्मोडेसमाटा होंगे जिनकी मदद से पानी यहां से वहां जा सकता है, प्लाज्मोडेसमाटा नाम के छेद होंगे यहां पर जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से, और इन प्लाज्मोडेसमाटा की मदद से पानी यहां से वहां चला जाए, ऑप्शन नंबर वन था, अगर पानी इस रास्ते से जाता है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, तो इस तरह के मूवमेंट को वाटर के मूवमेंट को बोलेंगे सिम्प्लास्ट, कौन सा ब्लास्ट बोलेंगे, सिम्प्लास्ट, SYM, सिम्प्लास्ट, SYM, सिम्प्लास्ट वाटर का मूवमेंट हुआ, ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहलाएगा, अगर पानी सेल के अंदर से होते हुए जा रहा है, उसके प्रोटोप्लाज्म से क्रॉस करते हुए जा रहा, प्लाज्मोडेसमाटा से होते हुए जा रहा है, इस रास्ते से जाने को प्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सिम्प्लास्ट, एक रास्ता ये पानी के पास दूसरा रास्ता एक और भी है, पानी यहां से सेल वॉल को पार करे,
लेकिन वॉल्यूम सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुसेंगे, सेमी परमियेबल सॉलिड परमियेबल मेम्ब्रेन है ना, सिर्फ सेल वॉल के अंदर जाए और यहां से पानी ये इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ चला जाए यहां, यहां से पानी चला जाए यहां, यहां से देख पा रहे हो कहां से कहां तक पहुंच गया, एपिडर्मिस क्रॉस कर लिया, एपिडर्मिस से कहां गया कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक आया, लेकिन एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती, पड़े थे कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से क्या पानी आर पार निकल सकता है, सुवेरिन केमिकल भी चिपका है इसमें, सुवेराइज्ड सेल वॉल है इसकी, पानी आर पार जा सकता क्या, तो यहां से पानी को अब कहां से कौन सा रास्ता अपनाना होगा, अंदर सिंपल और पानी अंदर घुस ही गया है, अंदर आ ही गया है पानी, अब यही रास्ते से आगे निकल जाएगा इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल से, समझ में आ रही बात, तो यहां से अंदर पानी जो बाहर ही बाहर गया, अंदर घुसा ही नहीं, वाटर एपिडर्मिस में देख सकते हो बाहर ही बाहर चला गया आपके आपका वॉर्टेक्स में बाहर बाहर चला गया, कि बाहर बाहर जाने वाले रास्ते को इंटरसेलुलर स्पेस जाने वाले रास्ते को कौन सा रास्ता कहते हैं, एपोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो दो रास्ते हैं पानी में जाने के, बाहर बाहर का रास्ता और एक अंदर वाला, रिपीट कर रहे हैं आपको यहां से नागपुर जाना है, दो ऑप्शन है, एकदम सिटी के बीचों बीच से घूम के निकलिए, आप वहां पर है मान लीजिए आपका घर कहीं पर है, सपोज उधर पे है कहीं पर, कौन से एरिया में, कोई भी एरिया में आपके जानते हैं आप अच्छे से एरिया को, आपको अमरावती का पूरा सिटी क्रॉस करते हुए जाए एक रास्ता है सिटी के बीचों बीच से ऊपर निकले, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि बाईपास से आप निकल जाए जहां ट्रैफिक ना हो बिल्कुल भी, आउटर आउटर एरिया से निकल जाए, दो रास्ते हैं, देखो ये अंदर से घुसते हो सिटी के बीचों बीच से जा रहा है ये, और ये शॉर्टकट मारते हुए बाहर ही बाहर निकला जा रहा है, जितना पॉसिबल है उसने बाहर ही बाहर चला गया, बताओ किधर फास्ट मूवमेंट होगा किधर स्लो मूवमेंट होगा, आप अपने सोचो बताओ, बाईपास से जल्दी पहुंच जाओगे सिटी के बीच से जाओगे जल्दी पहुंचोगे, ट्रैफिक कहां जाम लगेगा, यहां भी ट्रैफिक है ना, तो प्लान इंटरफेयर करेगा, तो कौन सा मूवमेंट फास्ट होगा, एपोप्लास्ट या सिंप्लास्ट, एपोप्लास्ट इज मोर फास्टर देन, समझ में आएगा, वाटर ज्यादा प्रेफर कौन सा रास्ता प्रेफर करता जाने के लिए, अगर सिंप्लास्ट से जाना होगा तो कौन कहां से हो जाएगा, प्लाज्मो क्लियर है, आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम का एक स्ट्रक्चर यहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, आपको पढ़ाए थे एनाटॉमी चैप्टर में, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट इन द, कैस्पेरियन स्ट्रिप को कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते बताओ, एनाटॉमी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप को कैस्पेरियन स्ट्रिप ही क्यों बोलते हैं, किसको पता है, किसी को नहीं पता है, एनाटॉमी चैप्टर से पढ़ा हुआ पढ़े नहीं कंप्लीट, कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था कैस्पेरी, कैस्पेरी नाम के, कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या चीज चिपकता है, वैक्सी सब्सटेंस, वैक्स जैसी लाइन, वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्स चिपकता है, सुवेरिन चिपकता है, वैक्सी सब्सटेंस ज्यादा चिपकता है, इसीलिए इसको कैस्पेरियन